हेलो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम एक और क्वेश्चन कवर करेंगे। ये 2D एरे से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बच्चों के प्रीबोर्ड में आ चुका है, ठीक है। कई बच्चों को इसका सॉल्यूशन निकालना नहीं आया तो उन्होंने मुझे भेजा था, तो मैंने सोचा क्वेश्चन मैं कवर कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के चांस भी हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। आप बिल्कुल बिगिनर हैं और प्रोग्रामिंग करनी नहीं आती जावा में, तो मैं बिगिनर्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जावा का प्रोग्राम किस तरीके से बनाओगे, बिल्कुल फ्री है। तो आई बटन पे लगा दूंगा प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के एक बार देख लेना, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आप स्टार्ट कैसे करोगे प्रोग्राम बनाना अगर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी बात है, मैंने जो एरे हैं इन सबकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल 2024 में आने वाले हैं, जो बच्चों के प्रीबोर्ड में आ चुके हैं और जो स्पेसिमेन पेपर में आ रखे हैं, तो उन सबकी भी मैंने वीडियोज बना रखी हैं, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो उसे भी आई बटन पे लगा दूंगा। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर 2024 करके है, उसे भी आप देख लेना, ठीक है। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपके पेपर में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया है प्री बोर्ड में जो आपको नहीं आया किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, तो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। इसी प्रकार से मैंने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, हर एक चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू क्रिएट अ 2D एरे एंड इनपुट एलिमेंट फ्रॉम द यूजर। तो पहले तो मैं बोला कि एक 2D एरे बनाओ और एलिमेंट यूजर से इनपुट में लो, चलो ठीक है। फिर बोला है कन्वर्ट ऑल एलिमेंट इन लेफ्ट डायगोनल टू जीरो, ठीक है ना। कन्वर्ट करने को बोला है ऑल एलिमेंट इन लेफ्ट डायगोनल टू जीरो। अब जो क्वेश्चन बच्चे का आया था उसमें उन्होंने ये बोला था कि हमें एरे जो प्रिंट करना है वो दोनों प्रिंट करने हैं, एक तो कि उसे ओरिजिनल एरे भी प्रिंट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, उसके साथ ही साथ उसे जो नया वाला एरे है जिसमें उसने लेफ्ट डायगोनल के एलिमेंट जीरो कर दिए हैं वो वाला भी प्रिंट करना है। तो हमें दो एरे प्रिंट करने पड़ेंगे, एक ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स फॉर्म में और दूसरा वाला जिसमें लेफ्ट डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो चुके हैं, वो दोनों प्रिंट करने हैं। तो इसका हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो सीधा आते हैं प्रोग्राम पर, आप भी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अगर सीधा मेरे साथ प्रोग्राम बनाना चाहते हो लैपटॉप या फ़ोन पे तो वो भी कर सकते हो। तो मैंने क्लास बना दी डायगोनल नाम की, ध्यान से सुनना, साथ में समझते हुए चलेंगे। फिर मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाने के बाद हमें सबसे पहले जो काम करना है वो है स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर को यूज़ करने से पहले हमें इसे इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, तो ऊपर स्टार्टिंग में हम पैकेज को इम्पोर्ट कर देंगे, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इतना हो जाने के बाद हमने स्कैनर को इम्पोर्ट कर लिया है और उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब उसके बाद सबसे पहला काम मुझे क्या बोला था क्वेश्चन में कि हमें एक 2D एरे बनाना है, तो 2D एरे बना लेंगे, इंटीजर टाइप का है, तो इंट ए इक्वल टू न्यू इंट। 2D एरे है तो उसका साइज़ कितना होगा। अब यहाँ पर हमें साइज़ की बात नहीं करी गई है, जो ये क्वेश्चन है इसमें बोला नहीं गया है, लेकिन जब जर्नली तुम्हारा जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें बोला रहता है, या तो हमें साइज़ यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा या फिर हमें बोला रहेगा कि जो हमारा साइज़ है वो पहले से दिया रहेगा कि तुम्हें 3x3 और 4x4 का एरे बनाना जो भी है। अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देनी है, जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बोला रहता है कि लेफ्ट डायगोनल को जीरो कर दो या राइट डायगोनल को जीरो कर दो या दोनों को जीरो कर दो, दोनों को ऐसा कर दो, तो याद रखना उसमें रो और कॉलम इक्वल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी डायगोनल उसी में बन पाएगी सही तरीके से जिसमें मेरी रो और कॉलम सेम होगी। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसकी तीसरी वाली कॉलम नहीं है तो मेरी डायगोनल तो यहाँ पर हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि मेरा यहाँ पर ऐसा हो जाएगा और नीचे कोई तीसरा एलिमेंट होगा ही नहीं जो उसके लिए हो। तो सही तरीके से मेरी डायगोनल तभी बनती है जब मेरी रोज और कॉलम बराबर हो। तो जब भी डायगोनल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके के अभी और भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, तो याद रखना हमें जो कॉलम है और रो है वो सेम ही रखनी होती है, या क्वेश्चन में पहले से बोला रहता है कि तुम्हें इनपुट लेना है 3x3 का एरे या 4x4 का एरे इस तरीके से, ठीक है। या जो भी तुम्हें इनपुट में लेना है साइज़, वो फिर या तो बोला रहेगा कि यूज़र से तुम मांग लो, तो मैं यहाँ यूज़र से ही ले लेता हूँ साइज़, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि हम थोड़ा मतलब अपर वे में इसे कवर कर लेते हैं ताकि तुम्हारे दोनों इसमें कवर हो जाएं। अगर पहले से दिया रहे तो तुम सीधा, जैसे बोला है तुम्हें अगर 3x3 का, तो तुम सीधा यहाँ 3 और 3 डाल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें बोला ना गया हो कि कितने साइज़ का बनाना है, सिर्फ ये बोला रहे कि साइज़ यूज़र से लेना है, तो याद रखना हम इस बार सिर्फ साइज़ लेंगे, मतलब रो और कॉलम दोनों को सेपरेट नहीं लेंगे। क्योंकि क्या रीज़न है? रीज़न यही है क्योंकि जब भी हमारे डायगोनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें कॉलम और रो सेम होनी चाहिए, तो सिर्फ एक वैल्यू लेंगे यूज़र से इनपुट में,
कि एंटर द साइज ऑफ एरे, और जो भी वो साइज देगा उसी को हम रो की तरह भी ट्रीट करेंगे और कॉलम की तरह भी ट्रीट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो मैं पहले साइज ले लेता हूँ इनपुट में यूजर से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, एंटर द साइज ऑफ एरे। अब एरे का जो साइज है वो इनपुट में देगा, तो एक साइज नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ साइज, या एन करके कुछ भी ले सकते हो आप वेरिएबल, और एस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है ना, इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करके इनपुट में ले लेंगे। अब जो ये साइज आया मेरा, ये साइज मेरा रो भी होगा और कॉलम भी होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रो की जगह पर भी साइज लिख रहा हूँ और कॉलम में भी साइज। किसी को डाउट है तो दोबारा सुन लो, साइज में मान लो वैल्यू 4 आई तो ऑटोमेटिकली मेरे रो भी 4 हो जाएंगे और कॉलम भी 4 हो जाएंगे, तो मतलब जो भी मेरा एरे बनेगा उसकी रो और कॉलम हमेशा बराबर रहेंगे क्योंकि मैं साइज को ही एज अ रो और कॉलम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर पहले से मैं बोला जाए क्वेश्चन में कि तुम्हें इतने साइज़ का बनाना है तो हमें फिर इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उतनी जो भी वैल्यू हमें दी है, जैसे बोला रहेगा कि तुम्हें 5 साइज़ का एरे बनाना है या 5x5 का बनाना है, तो हम सीधा यहाँ 5 डाल सकते हैं, तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये तो मेरा एरे बन जाएगा जो भी साइज़ यूज़र ने दिया इनपुट में। मुझे करना क्या है इस एरे का, मुझे सबसे पहले तो ये एरे बन गया। अब एरे को बनाने के बाद बोला था राइट प्रोग्राम टू क्रिएट अ 2D एरे एंड इनपुट एलिमेंट फ्रॉम द यूज़र। अब इनपुट करना है यूज़र से एलिमेंट, तो फॉर लूप लगेगा फॉर, अच्छा ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0 स्टार्टिंग इंडेक्स 0, आई लेस देन एंड वाला इंडेक्स क्या होगा, देखो एंड वाला इंडेक्स क्या मुझे पता है, नहीं पता है, क्योंकि साइज़ की वैल्यू कुछ भी दे सकता है यूज़र, तो वो तो उसकी मर्जी है ना, जो भी देगा तो वो कुछ भी दे देगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो क्या दे रहा है। तो देखो याद रखना हमेशा, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, जो बच्चे स्टार्टिंग में देख रहे हैं, जो भी साइज़ की वैल्यू होती है, जो भी मतलब हमारा यहाँ इंडेक्स होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है मेरी रो या कॉलम की, तो हमारा जब लूप चलता है हमारा उससे लेस देन चलता है, मतलब मैं सीधा साइज़ लिख सकता हूँ। पहली बात तो 2D एरे में दो लूप लगते हैं, एक रो के लिए और कॉलम के लिए, बाहर वाला होता है रो के लिए और अंदर वाला होता है कॉलम के लिए, जो यहाँ पर अभी अंदर में लगाऊंगा। तो बाहर वाला रो के लिए, तो वो स्टार्टिंग तो 0 से ही चलेगी क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और चलेगा लेस देन जो यहाँ पर हमने वैल्यू दी होती है, ठीक है। ये सब मैंने स्टार्टिंग की एरेज़ की वीडियो में कवर करा है, उनको देख लेना अगर कोई डाउट है इन पे। तो हमेशा लेस देन साइज़ चलता है, तो इसलिए हमने सीधा साइज़ की वैल्यू, अब जो भी होगी वो मेरा रो होगा, तो इसलिए मैंने लेस देन साइज़ लिख दिया, ऑटोमेटिकली वो उतना चल जाएगा जितनी मेरी रो है। जैसे मान लो रो है 4, तो लेस देन 4 चलेगा, ठीक है ना, और लेस देन 4 कितना हुआ, 0, 1, 2, 3, तो काउंट करके देख लो 4 बार चलेगा, और 4 रो है मेरी, तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली, बस तुम्हें एक थंब रूल याद रखना है कि जो भी यहाँ वैल्यू होती है उससे हम लेस देन चलाते हैं अपना एरे का लूप। अब ऐसी फॉर ये मैं चीज़ें अभी जो मैं बेसिक वाली वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें बच्चों को मैं बिल्कुल बिगिनर से बता रहा हूँ कैसे तुम प्रोग्राम बनाओगे, तो उसमें मैंने भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में कैसे इनपुट लेते हैं वो समझाना है, जो स्ट्रिंग और एरे हैं मेरे, ठीक है। तो उन दो पे भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, उस प्ले लिस्ट में मैं डाल दूंगा। तो जिनको डाउट है अगर कि तुम एरे में इनपुट कैसे लेते हो, 1D एरे में और 2D एरे में, और जितने भी तुम्हारे मन में डाउट है वो सारे मैं वहाँ कवर करने वाला हूँ, तो उन वीडियोज़ को भी देख लेना। तो अगला हम बनाएंगे जे, ये भी स्टार्टिंग 0 से करेगा, जे लेस देन साइज, क्योंकि भाई कॉलम भी तो मेरी साइज ही मतलब साइज वेरिएबल में ही है, कॉलम की वैल्यू भी, तो इसलिए यहाँ भी मैंने साइज लिखा है, दोनों में सेम लिखा है, ठीक है। और जो मेरा ये वाला लूप है किसके लिए है बोल दो, किसके लिए है, कॉलम के लिए। अब ये तो हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद जब मेरा लूप बन गया तो बताओ क्या करूँगा इसके अंदर, मैं इनपुट लूँगा। इनपुट लेने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, कौन से मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, कमेंट में बताना मुझे, अगर मुझे इनपुट लेना है तो इस समय मुझे कौन से मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। तो क्योंकि मेरा एरे है इंटीजर टाइप का, तो मैं sc.nextint का यूज़ करूँगा इनपुट लेने के लिए। इनपुट एरे में लेना है तो इक्वल टू sc.nextint, ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरा इनपुट। अब जो भी वैल्यू यूज़र देगा वो मेरे एरे में चली जाएगी, क्या मैंने सही लिखा है। देखो यहाँ जो एरे है इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि मेरा रो कौन है और कॉलम कौन है, तो रो मेरी आई है और कॉलम मेरा है जे, तो मैंने यहाँ बता दिया, अब ठीक है। ठीक है, याद रखना कई बच्चे गलतियाँ पेपर में करते हैं, यहाँ पर वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है, वो सिर्फ जब हम बनाते हैं एरे डिक्लेयर करते वक्त होगा, वैल्यू डालते वक्त तुम्हें यहाँ बताना पड़ेगा कि कौन से वाले में डाल रहा हूँ। ये होने के बाद ये तो मैंने लिया इनपुट, अब उसने बोला था सबसे पहला काम किया मेरे को ओरिजिनल एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है, तो यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, एक लाइन लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो लिख दिया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको प्रिंट करने जाऊँगा, तो प्रिंट करना है तो देखो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, जो हम इनपुट लेने के लिए लूप का यूज़ करते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही रहता है,
छोटा सा डिफरेंस हो जाता है, जहाँ पर हमने इनपुट लेने का काम करा है वहाँ पर अब हम प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि अब हम प्रिंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रिंट करने जो हम जा रहे हैं तो क्या लिखूँगा मैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन। अब मेरे को एरे मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है, तो एरे मेरा, एरे मुझे कैसे पता कौन सा एरे है मेरा, एरे है मेरा ए। ठीक है, तो मैं यहाँ ना कमेंट करके भी लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा काम हो रहा है प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा काम हो रहा था इनपुट लेने का। तो दो लूप हैं जो ये, दो जोड़ी लूप हैं ये वाले, ये सिर्फ इनपुट के लिए था, नीचे वाला है ये वाला हमारा आउटपुट देने के लिए है। तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, तो ये इनपुट के लिए है, डाउट कहीं आता है तो मुझसे कमेंट में पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा। तो भाई यहाँ पर हमने प्रिंट करना, प्रिंट कैसे करना है, एरे को, एरे का नाम क्या, ए, बहुत बढ़िया, एरे का नाम है ए, लेकिन अंदर वैल्यू भी तो डालेंगे, एरे का आई और जे, बारी बारी वो हर एक रो और कॉलम को प्रिंट करता हुआ जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पेस भी डाल देता हूँ, स्पेस मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इसके हर एक एलिमेंट के बीच में एक गैप रहे, क्योंकि मैं एक सिंगल लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर प्रिंट का यूज़ करूँगा, प्रिंट एल एन का यूज़ नहीं करूँगा, मतलब मैं हर एक जब रो को प्रिंट करूँगा तो उसके एलिमेंट एक के आगे एक आएगा ना, तो इसलिए प्रिंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट एल एन मत करना, वरना सेपरेट लाइन में आ जाएंगे तुम्हारे एलिमेंट और एक लाइन बन जाएगी, मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे हम। प्रिंट करने के बाद जब मुझे नेक्स्ट लाइन में आना होता है तो मुझे यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखना पड़ेगा, इस तरीके से, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस तरीके से, ये एक तरीके से एंटर बटन का काम करता है, मैंने कई बार बताया, मेरी और वीडियो भी देख लेना, तुम्हें मैंने समझा रखा डिटेल में, ये एंटर बटन का काम करता है, ये नेक्स्ट रो में आने का काम करता है। तो पहली रो यहाँ पर प्रिंट हो गई, ये नेक्स्ट रो में पहुँचा देगा हमें। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्रिंटिंग का काम। तो तुम्हारे अभी लगभग तुम्हें आधे मार्क्स तो मिल जाएंगे अपने प्रोग्राम के, तुमने पहला पार्ट कर दिया और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना तो पक्का ये वाला पार्ट पूछा रहेगा कि ओरिजिनल एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करो। ठीक है, ये तो कर लोगे, कर लोगे, अब तो कर लेना चाहिए। कुछ डाउट आता है पूछ लेना, कोई क्वेश्चन रहता है तुम्हारे मन में, कोई प्री बोर्ड में दिया है या कोई टीचर ने क्वेश्चन दिया है, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना के तुम्हें दे दूंगा उसका सॉल्यूशन, या मैंने बना रखा होगा तो मैं तुम्हें वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब देखो, प्रिंट करना है मैं एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में आफ्टर कन्वर्टिंग लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट टू जीरो। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पहले तो मुझे ये पता चल जाए कि भाई मेरी लेफ्ट डायगोनल है कहाँ, जीरो तो फिर करूँगा ना, पहले ये तो ढूंढ लूँ मैं कि मेरी लेफ्ट डायगोनल है कहाँ। देखो लेफ्ट डायगोनल को पता करने के लिए अब तुम यहाँ ध्यान दो, तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एरे बना दिया है जो मेरा अभी हो चुका होगा प्रोग्राम में ओरिजिनल एरे। अब मैं इसमें पता कैसे करूँ कि मुझे लेफ्ट डायगोनल मेरी कौन सी है, तो उसका तरीका ये, देखो मैंने तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पर रो और कॉलम बना रखे हैं, तो मेरी ये वाली होती है रो ज़ीरो, ये वाली है रो वन और ये वाली है रो टू, इसी प्रकार से ये कॉलम ज़ीरो, ये कॉलम वन और ये कॉलम टू, जो मेरा ये वाला एलिमेंट है जिसमें 12 लिखा है, मुझे इसको ज़ीरो करना है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स मतलब मेरी रो कौन सी है ज़ीरो और कॉलम कौन सी है ज़ीरो, तो इसका इंडेक्स हुआ 0,0। अब ऐसी इस वाले 6 वाले का क्या है, इसका इंडेक्स है रो कौन सी मेरी 1, कॉलम कौन सी मेरी 1,1। ऐसे 35 वाले का क्या है, मेरा इंडेक्स 35 वाले का इंडेक्स है रो कौन सी मेरी 2, कॉलम कौन सी मेरी 2,2। एक चीज़ नोटिस करी है, जहाँ पर मेरी रो और कॉलम का नंबर इंडेक्स बराबर हो जा रहा है वो मेरा लेफ्ट डायगोनल है, नोटिस करा। देखो मैं अगर तुम्हें बाकियों के भी लिख के दिखा दूँ इंडेक्स, इसका क्या होगा 0,1। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को डाउट होगा कि क्या भैया एक राइट डायगोनल भी तो होती है, ये वाली राइट डायगोनल होती है तो उसके भी तो सेम तो नहीं होते हैं, देख लेते हैं। तो 30 वाली का क्या होगा मेरा 0,2, क्योंकि क्वेश्चन देखो अभी मैं तुम्हें लेफ्ट डायगोनल का करा रहा हूँ, क्वेश्चन राइट डायगोनल का बन के भी आ सकता है और दोनों डायगोनल के लिए भी आ सकता है कि दोनों डायगोनल को जीरो करना है या कुछ और करना है, कैसे करोगे, तो वो वही समझा रहा हूँ। पहले डिफरेंस देखते हैं कि कैसे पता करेंगे। तो जैसे यहाँ पर है, थोड़ी सी फोकस रखना, 2 मिनट का काम है, अगर ये देख लिया तो तुम 3 तरीके के प्रोग्राम बना सकते हो, लेफ्ट डायगोनल को जीरो करने का, राइट डायगोनल को जीरो करने का, दोनों डायगोनल को जीरो करने का, और इससे रिलेटेड और भी जो बन सकते हैं कि तुम्हें लेफ्ट डायगोनल का सम निकालना है, राइट डायगोनल का सम निकालना है, वो किस तरीके से करेंगे, वो सब यहां से तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे बनाओगे। तो इसको थोड़ा सा देख लो और समझ लो। तो यहां पर इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 0,1। क्लियर है ना, नहीं 0,1 नहीं, यहाँ पर इसका होगा 1,0, क्योंकि मेरी रो 1 है और कॉलम है 0। ठीक है, 1,0, 1,1 और यहाँ पर 1,2। इसी प्रकार से जो नीचे वाला है इसका होगा 2,0, फिर यहाँ पर होगा 2
कॉमा वन और यहाँ पर टू कॉमा टू। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो मेरे ये है रो और कॉलम के इंडेक्स ये सिर्फ लेफ्ट डायगनल में मेरे सेम होते हैं। अगर मैं राइट डायगनल को भी देखूँ तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ कहाँ हो रहा है, ये सिर्फ लेफ्ट डायगनल में हो रहा है। तो मैं अगर लॉजिक ऐसा बनाता हूँ कि जहाँ पर मेरे रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स जीरो नहीं, जहाँ पर मेरे रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स इक्वल हो जाता है उनको जीरो करूँगा। बात समझ में आ रही, जहाँ पर मेरे रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स सेम हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो इस एलिमेंट को जीरो कर दो। यहाँ पर ये भी वन है ये भी वन है, तो इस एलिमेंट को जीरो कर दो। यहाँ ये भी टू है ये भी टू है, इस एलिमेंट को जीरो कर दो। मतलब जहाँ पर दोनों इंडेक्स सेम है उस वाले एलिमेंट को जीरो कर दो, ये इसका लॉजिक है। इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर आ गए थे हम, अब हमें अपने जो प्रोग्राम है उसमें ये देखना है कि मेरा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर हो रहे हैं। अब इसके लिए हम करेंगे कैसे, देखो लॉजिक सोचते हैं कि करेंगे कैसे, रो और कॉलम दोनों बराबर होनी चाहिए तो उसके लिए मेरे को दो लूप तो लगाने पड़ेंगे। तो दो लूप लगाते हैं, तो इसको ही उठा लेता हूँ यहाँ से। और एक और चीज़ है यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर कमेंट करके कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉजिक टू कन्वर्ट लेफ्ट डायगनल टू ज़ीरो, ठीक है, लॉजिक टू कन्वर्ट एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट डायगनल टू ज़ीरो। तो वो लॉजिक हम इसके नीचे लिखेंगे, ये हो गया हमारा लूप। अब यहाँ पर ये तो पहले तो हमें ज़ीरो करना है, प्रिंट तो हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो पहले लॉजिक बताओ क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ कंडीशन आ जाएगी इफ़ अगर, अगर क्या, अगर मेरा बताओ क्या क्या कंडीशन लिखूँ मैं। मैंने भी बताया था कि अगर मेरा रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स बराबर हो जाता है तो मुझे वो एलिमेंट ज़ीरो करना है। तो रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स अगर बराबर हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ रो का इंडेक्स मेरा कौन बता रहा है, मेरा रो का इंडेक्स मुझे आई से पता चल रहा है और कॉलम का जे से। तो मैं लिखूँगा अगर मेरा आई और जे, इफ़ आई और जे इक्वल हो जाते हैं तो मुझे क्या करना है, अगर मेरा आई और जे इक्वल हो गया मतलब रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स, तो मुझे वो वाला एलिमेंट, मुझे ए आई जे जिस एलिमेंट में के लिए ऐसा होता है उसको मुझे क्या कर देना है, मुझे उसे ज़ीरो कर देना है। बस ये हो गया इसका लॉजिक। तो कुछ है लॉजिक, देखो कुछ है पर समझने की बात है। अब तुमने जैसे ये समझ लिया तो इससे तुम जो अलग वैरायटी के क्वेश्चन भी बन सकते हैं उनके बारे में भी तुम अपने आप सोच सकते हो कि तुम्हें कैसे बनाना पड़ेगा, ये बात है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ये हो गया और फिर आसान तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इतनी डिटेल में समझ लिया, वरना बच्चों का कोर्स पूरा हो जाता है उन्हें यही नहीं पता चलता है इसको ज़ीरो कैसे करेंगे और बहुत मुश्किल लगता है। तो ये है बेसिक चीज़ें अगर समझते हुए चलेंगे ना तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो उसी तरीके से जब हमने यहाँ पर समझ लिया कि अब हम आई और जे जब इक्वल होंगे तो उस वाले एलिमेंट को हम ज़ीरो कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जब ये पूरा लूप मेरा चल जाएगा तो मेरी लेफ्ट डायगनल ज़ीरो हो चुकी होगी। अब उसके बाद क्या करना है, अब मुझे प्रिंट करना है ना, जैसे यहाँ पर मैंने प्रिंट करा था ओरिजिनल एरे, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिनल एरे प्रिंट करा था, उसी तरीके से यहाँ पर एक कमेंट डाल दूंगा मैं कि अब प्रिंट कर रहे हैं प्रिंटिंग एरे आफ्टर कन्वर्टिंग एलिमेंट ऑफ लेफ्ट डायगनल टू ज़ीरो, ठीक है, आफ्टर। तो इसी तरीके से तुमने भी प्रोग्राम करना है, कमेंट भी डालने हैं, ठीक है ना, कमेंट के मार्क्स भी होते हैं, वो तुम्हारे लिखा भी है सिलेबस में कि कमेंट भी होनी चाहिए। तो प्रिंटिंग एरे आफ्टर कन्वर्टिंग एलिमेंट ऑफ लेफ्ट डायगनल टू ज़ीरो। अब प्रिंट करना है तो कुछ नहीं, वो यहीं से उठा के सीधा हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हम सीधा यहाँ प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि अब तो एरे प्रिंट करना है तो कुछ उसमें ऐसा तो है नहीं कुछ हमें कुछ खास करना है, तो हम उसी सीधा जो हमने ऊपर लूप लिखा है प्रिंट वाला उसी का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और लाइन हम लिख देंगे, देखो यहाँ पर हमने इनपुट लिया तो हमने लिखा था कि एंटर द साइज ऑफ एरे, और साइज देने के बाद हम एक और यहाँ लाइन लिख देंगे एंटर द एलिमेंट इन द एरे, ठीक है ना। जब तुम इनपुट ले रहे हो तो वहाँ हमें यूज़र को बताना पड़ेगा ना कि एलिमेंट इनपुट करो, तो यहाँ लिख देंगे एंटर एलिमेंट्स इन द एरे, एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है, एंटर एलिमेंट्स इन द एरे, ये हुआ इनपुट लेने से पहले।
फिर उसके बाद जब हमने ओरिजिनल एरे को प्रिंट किया तो हमने लिख दिया था एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लॉजिक यूज़ कर रहे हैं कन्वर्ट करने का एलिमेंट लेफ्ट डायगनल के जीरो, तो उसमें हमें कुछ नहीं लिखना है, ये तो इंटरनली लॉजिक चलेगा और उसे ज़ीरो कर देगा लेफ्ट डायगनल को। उसके बाद जब हम प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, जब हम प्रिंट कर रहे हैं अपने एरे को लेफ्ट डायगनल ज़ीरो करने के बाद, तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि प्रिंटिंग एरे आफ्टर कन्वर्टिंग टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं यही हम कमेंट को कि एरे आफ्टर कन्वर्टिंग एलिमेंट ऑफ लेफ्ट डायगनल टू ज़ीरो। देखो कमेंट तो क्योंकि प्रिंट नहीं होती, ये तो ऐसी रहती है, तो लेकिन जो लाइन प्रिंट होगी वो ये होगी जो हमने प्रिंट एलन के अंदर लिखा है। क्या है वो लाइन? एरे आफ्टर कन्वर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट डायगनल टू ज़ीरो, ठीक है। और जब उसके बाद हमारा फिर एरे प्रिंट हो जाएगा, तो इस तरीके से होगा हमारा प्रोग्राम। एक बार इसे रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो पहले तो हमें बोला रहेगा एंटर द साइज ऑफ एरे, तो मैं 3 दे देता हूँ। एंटर द एलिमेंट तो 20, 17, 45, 34, कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, इंटीजर वैलिड। तो यहाँ लिखा है एरे इन मैट्रिक्स फॉर्म 20, 17, 45, 34, 97, 4 और 67, 47, 13, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद बोला है एरे आफ्टर कन्वर्टिंग एलिमेंट ऑफ लेफ्ट डायगनल टू जीरो, एक बार देख लेते हैं सही है या नहीं है। तो 20 को जीरो कर दिया है, 1745 वैसा ही है, 34 वैसा ही है, 97 जीरो हो चुका है, 4 ठीक है, उसके बाद 67 वैसी है, 47 वैसी है और 13 हो चुका है जीरो, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लेफ्ट डायगनल को जीरो कैसे बनाते हैं, ये इसका प्रोग्राम है, ठीक है। इसको आप, मुझे उम्मीद है वैसे समझ में आ चुका होगा। तो देखो देखने में बहुत बड़ा लगता है कि पता नहीं क्या जो कर रखा है, जबकि अगर साथ साथ चलें और पढ़ें साथ में, समझें एक साथ आराम से बेसिक को कवर करते हुए, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर बेसिक क्लियर नहीं है मुझे बता देना, कुछ भी डाउट है या कुछ ऐसी बेसिक की वीडियो तुम्हें चाहिए मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और जितना जल्दी इस चीज़ों को तुम कवर कर लोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में आ चुका है जो तुमसे नहीं हो रहा, या तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तुम्हारे प्री बोर्ड में आ चुका है, स्कूल में टीचर ने दिया है, तो मुझे बता देना, वीडियो बना दूंगा मैं उसमें, ताकि तुम अच्छे मार्क्स ले आओ अपने पेपर में। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ज़्यादा वीडियो हो सके तुम्हारे पेपर से पहले तुम्हें दे दूँ जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। इस वीडियो में इतना ऐसा, देखो अगर लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को बस शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना, और कुछ नहीं चाहिए, इतना तो कर सकते हो ना। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, तो यार लाइक शेयर तो कर सकते हो ना, इतना तो मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ। और कमेंट भी करके मुझे बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है जब कमेंट करते हैं बच्चे की वीडियो अच्छी लगी है या समझ में आया, तो मुझे बता देना कैसी लगी है। इस वीडियो में इतने था, और जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। मैंने और प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको भी लगा दूंगा आई बटन पे या वीडियो के एंड में, तो उनको देख लेना, ठीक है। वैसे भी मेरे चैनल पे जा करके स्क्रॉल करके देख लेना, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।